सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज से हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री को देश के सामने रखेंगे और दिखाएंगे। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी 3 डिग्रियाँ दिखाने से। मैंने अपनी पहली डिग्री बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। ये मेरी बीए की डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी है जो मैं आप सब के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया। ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, ये उसकी डिग्री है, ये ओरिजिनल डिग्री है। उसके बाद मैंने एक दूसरी मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन में, ये उसकी डिग्री है। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के तहत मैंने अपनी 3 डिग्रियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी हैं। और आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। और मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि उनके नेता, खास करके उनके वरिष्ठ नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वह ज़रूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, तो अगर आज कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा या मेरे कॉलेज सेंट स्टीफंस कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ाई की वो वहाँ पर जाएगा, तो सेंट स्टीफंस कॉलेज वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले उनको बहुत गर्व से बताएंगे कि जी आतिशी ने यहाँ से पढ़ाई की, वो आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरे कॉलेज, मेरे यूनिवर्सिटी वालों को इस बात पे गर्व होगा। इसी तरह से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे देश के इतने इतने बड़े बड़े नेता पढ़ के निकले, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी वहाँ से पढ़े, शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ से पढ़े, अगर कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो बहुत गर्व से बताएंगे कि जी चंद्रशेखर जी यहाँ के पास आउट हैं, शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ के पास आउट हैं। तो मुझे इस बात पे थोड़ा अचंभा होता है कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? मैं तो गुजरात विश्वविद्यालय से ये कहूँगी कि आपको तो जो आपका इतना यूनिक डिपार्टमेंट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए। खास करके इसलिए क्योंकि हमें तो आज तक 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जिन्होंने इस विषय में डिग्री करी हो, या 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लास में रहे हो या उनके साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिए हो। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इकलौते छात्र रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट तो ज़रूर उनके नाम पर उसका नामकरण होना ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी 3 डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद।
उपराज्यपाल ने आज एक सवाल उठाया है मुख्यमंत्री के लिए आईआईटी को लेकर, उनसे आपने सवाल किया जो डिग्री विवाद चल रहा है, उनका कहना था कि आईआईटी से पढ़े हुए लोगों का भी इतना सामने है कि वो भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। और उन्होंने डिग्री को एक बताया रसीद है, ये पेमेंट रसीद कहा है उन्होंने कि देखिए मुझे इस बात को लेकर दुख है कि जो आईआईटीज ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक ब्रांड है, जहां के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां उस ब्रांड को देखकर रिक्रूट करती हैं, जिस ब्रांड के आधार पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के भारतीय लोग सीईओ बने हुए हैं, आज उस आईआईटी पर ही हमारे उपराज्यपाल महोदय सवाल उठा रहे हैं। देखिए समस्या क्या है कि जिनको अपनी डिग्रियां छुपानी है उनको औरों की डिग्रियों पे तो सवाल उठाने ही पड़ेंगे। मैं तो उपराज्यपाल महोदय से भी आग्रह करूंगी वो भी हमारी डिग्री दिखाओ कैंपेन का हिस्सा बने, वो भी अपनी डिग्री दिखाएं और वो आग्रह करें भारतीय जनता पार्टी के भी और नेताओं से कि वो भी अपनी डिग्री दिखाएं। पूरे देश को, पूरी दिल्ली को, सब लोगों को पता तो चले कि आखिरकार जो लोग दिल्ली के लिए, जो लोग देश के लिए निर्णय ले रहे हैं, आखिर उसमें कौन कितना पढ़ा लिखा है। बिल्कुल कैंपेन रेगुलर चलेगा, रोज आम आदमी पार्टी के एक एक नेता अपनी डिग्री देश के सामने रखेंगे। अच्छा पंजाब तक भी जाएगा क्या, पंजाब में जो मंत्री हैं वो भी सब दिखाएंगे? बिल्कुल धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के सभी नेता अपनी डिग्रियां देश के सामने रखेंगे और साथ ही हम आग्रह करेंगे रोज भारतीय जनता पार्टी से भी कि उनके वरिष्ठ नेता भी अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। जी आपने ये कहा कि स्कूलों में जो भी टीचर्स, जो भी स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल जो मैनेजमेंट है अगर दबाव डालता है किताबें खरीदने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये कब से होगा, क्या होगा? और दूसरा सवाल ये है कि मार्क्स को लेकर जो 11th और 9th के हैं उनको लेकर बीजेपी बार बार आप पर हमलावर हो रही है कि आप लोग जो है ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही खराब है, नीट जो है 9th और 11th की बहुत खराब है क्योंकि लगातार बच्चे फेल हो रहे हैं। देखिए जो सबसे पहला सवाल था ये कई जगह से कंप्लेंट आ रही थी कि किताबों को और यूनिफॉर्म को लेके दिल्ली सरकार के निर्देशों के खिलाफ जाते हुए कई स्कूल पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं। कल ही मैंने दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को ये आदेश दिए हैं कि जिन जिन स्कूलों से ऐसी शिकायत आती है वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम कल या परसों में इसकी गाइडलाइंस निकालेंगे, कंप्लेंट्स के लिए एक फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जारी करेंगे और जिन जिन स्कूलों से लगातार ये शिकायतें आती रहें उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन स्कूलों की मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूँगी कि आप आइए ना, हम तो बार बार आपसे कहते हैं कि आप आइए हमारे स्कूलों में, आइए आप आइए हमें अपने राज्यों के स्कूलों में लेके जाइए। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही है। देखिए हमने तो जब से हमारी सरकार आई है हमने बिना छुपाए इस बात को सामने रखा है कि बहुत सारे बच्चे छठी सातवीं तक पहुँच जाते थे और उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। हम तो पहले दिन से बच्चों की फाउंडेशन स्किल्स इम्प्रूव करने में, उनके लर्निंग गैप को रिड्यूस करने में सामने आए हैं। हमने कभी भी अपने नतीजों को नहीं छुपाया है। आज भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देंगे, जिन सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए हैं हम उन्हें पढ़ाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि उन बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। तो एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर भी होगा हम उसे कुछ रास्ता देंगे आगे बढ़ने का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो स्कूलों को डिमोलिश करके वहाँ पे अपना पार्टी ऑफिस बनाने का सोचती है। तो कौन शिक्षा के हित में है और कौन शिक्षा के खिलाफ है ये तो जग जाहिर है।